हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड में एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे कि आज 2 तारीख है, 2 जुलाई है, 3 जुलाई है सॉरी, और कुछ ही समय के बाद में हम सभी 9th और 10th क्लासेस के और इवन 11th क्लासेस के बच्चों के क्या है कि पीरियडिक्स स्टार्ट होने वाले हैं इसी मंथ के लास्ट में। सीबीएसई से जितने भी बच्चे हैं और जिन बच्चों के पीरियडिक्स स्टार्ट नहीं भी होने वाले हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके लिए। तो मैं लगातार इस चैप्टर पे लगभग 10 वीडियोस के आसपास में डालूंगा, और वो थोड़े कम कम टाइम की होगी, ऑब्वियसली 10 से 15 मिनट के आसपास की होगी एक एक वीडियो, लेकिन उसमें अपन पूरा का पूरा ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको कवर करेंगे। उसमें अपन फॉर्मूले समझेंगे, उसमें अपन डेफिनेशन समझेंगे, उसमें अपन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आरडी शर्मा और अलग अलग बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये अपन 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, बिकॉज 9th क्लास में ही सबसे पहले अपन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है सीबीएसई में। तो 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन पढ़ते क्या है, ठीक है, या कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, सपोज करिए कि आप एक प्लेन से जा रहे हैं, ओके, और वो जो प्लेन चलाने वाला पायलट है वो क्या करेगा कि प्लेन को कहाँ पे जाके अभी फ्लाई कर रही है और कुछ समय के बाद में वो कहाँ पे जाएगी, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं होंगे तो आप पहुँच नहीं पाओगे सही जगह पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ है, उसको अपन क्या करते हैं, बहुत सारे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, बहुत सारे अपन क्या करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन किसी भी तरीके से शो करते हैं। सपोज़ करिए कि ये कोई पॉइंट है, है ना, तो ये लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस तरीके से बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, बोलना चाहिए 0 डिग्री नहीं, 90 डिग्री साउथ पोल, और ये जो होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, करेक्ट। और फिर इसको लॉन्गिट्यूड्स में भी डिवाइड करते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से जो ये पॉइंट मिलता है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को अपन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में अगर हमें बताना है तो हमें कोऑर्डिनेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो बहुत अप्लाइड फॉर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पहले नंबर हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग 9th क्लास में हो या कोई बच्चा 10th और 11th में जिसको कोऑर्डिनेट में समस्या है, तो वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या अभी आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसको लाइक भी करिए। तो अपन देखते हैं 9th क्लास में जो भी बच्चा है उसको यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म में बताने के लिए स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से अपन को पहले कोऑर्डिनेट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, तो फाइनली मैथ्स में अपन इजी तरीके से अगर कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस कराएं तो अपन बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट में ना 2 एक्सेस होती हैं। क्या होती हैं, 2 एक्सेस होती हैं। सपोज करिए कि एक एक्सेस यहाँ पर रही और एक एक्सेस ये रहा, ठीक है, इसको वाई एक्सेस बोल देंगे, वाई डैश, ये एक्स एक्सेस और ये एक्स डैश। सो देर आर 2 एक्सेस, ठीक है, कोऑर्डिनेट का स्टार्टिंग है ये, बिल्कुल, ठीक है ना। तो 2 एक्सेस होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस। और एक वर्टिकल एक्सेस होता है, इस वर्टिकल एक्सेस को अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्सेस, ओके, वाई एक्सेस, ठीक है। अब जिन भी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो के हॉरिजॉन्टल क्या, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है इस तरीके से, ओके, और वर्टिकल मतलब ये, ओके। सो दिस इज एक्स एक्सेस, एक्स एक्स डैश,
और ये वाई वाई डैश, ठीक है। चूंकि अपन नाइन्थ क्लास में है तो अपन लाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप ये मानिए कि ये दोनों की दोनों एक्सेस जो हैं वो एक लाइन है, इवन एक नंबर लाइन है, जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि ये दोनों के दोनों लाइनें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली इसको अपन स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन, क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है ना, दोनों एक्सिस का, लेफ्ट साइड राइट साइड अप डाउन, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है, अगर ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का भी जीरो पॉइंट होगा और वाई एक्सिस का भी जीरो पॉइंट होगा, ओके। तो एक्स एक्सिस का भी जीरो है और वाई एक्सिस का भी जीरो है, करेक्ट। तो इस तरीके से अपन किसी भी एक पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो जीरो। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का भी ओरिजिन है और वाई एक्सिस का भी ओरिजिन है। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है, इस नंबर लाइन में यहाँ पे जीरो होता है, इधर पे वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, निगेटिव नंबर्स होते हैं और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो ये जो एक्सेस है ना, ये एक्सेस इसी की नंबर लाइन ही है एक तरीके से, ठीक है। और जब ये एक्सेस यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है जीरो पे, तो ये जो जीरो जीरो है, ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस ओरिजिन का, उस ओरिजिन पॉइंट का, दिस इज द स्पेशल पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक दूसरे को एक्सेस काटती है, कितने डिग्री पे काटती है ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, ये पहली वाली वैल्यू x की है या दूसरी वाली वैल्यू x की है ना, इसमें से x कौन है और y कौन है। तो देखिए, याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के पहले कुछ सिंपल से रूल्स हैं, जो बहुत बड़े नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, हमेशा पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, ठीक है ना। x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, उस पर अपन बाद में आएंगे, अभी अपन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, सिंपल समझना है। तो दोनों एक्सेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाएगा, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो जीरो। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो एक्स है और ये वाली जो वैल्यू है वो वाई है, ओके। और ये दोनों के दोनों एक्सेस जो हैं वो कितने डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलरली या एक दूसरे के साथ नॉर्मल होते हैं वो, है ना। मतलब एक्स एक्सेस वाई के रिस्पेक्ट में नॉर्मल है, वाई एक्सेस एक्स के रिस्पेक्ट में नॉर्मल है, या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे, है ना। तो पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको लिख लेना है, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट का, है ना, ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ अ पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट का, ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है ना, का कोऑर्डिनेट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। मतलब पहले वाली वैल्यू को एक्स की वैल्यू बोलेंगे और सेकंड नंबर की वैल्यू को क्या बोलेंगे, वाई की वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। पेपर में आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वो एब्सिसा अलग मांग लेता है और ऑर्डिनेट अलग। तो एक्स की वैल्यू को एब्सिसा बोलेंगे, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अभी अपन आगे लिखेंगे। नेक्स्ट जो चीज है, द intersecting point of both the axes, intersecting point of both the axes is called origin. What? Origin. This is called origin, and its coordinate is zero, 0,
ओके तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलेंगे। तो पहले वाले पॉइंट को अपन क्या कर लेते हैं, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं और दो मिनट का अपन फटाफट यहाँ पे देखते हैं। अपन क्या देख रहे थे, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अपन को समझने के लिए दो एक्सेस समझनी पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक वर्टिकल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को अपन ने क्या नाम दिया, एक्स एक्सेस बोल दिया, और वर्टिकल एक्सेस को हमने क्या बोल दिया, हमने वाई एक्सेस बोल दिया। दोनों के दोनों एक्सेस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो जीरो। और यहाँ पे जीरो जीरो के बाद में अपन को एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है हमेशा के लिए, चूंकि ये फर्स्ट वीडियो तो ये अपन को बार बार समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड द सेकंड वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट इज वाई एंड द नेम ऑफ द एक्स इज एब्सिशा एंड नेम ऑफ द सेकंड वैल्यू इज ऑर्डिनेट। ओके यहां पे एक और नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं कि दोनों के दोनों एक्सेस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बोथ द एक्सेस आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ओके तो यहां पे क्या बोलेंगे अपन, both the axes are perpendicular with each other, है ना। so this is the symbol which represent or stand for perpendicular ठीक है। so all the students listen very carefully and note down, making your notes is or will be helpful for you one day, okay? एग्जाम के पहले आपको बड़ा काम आएगा, आपके जो नोट्स आप बनाओगे। तो ये जो साइन है वो परपेंडिकुलर का साइन है। अपन बहुत सारे ऐसे सिंबल्स का यूज़ करेंगे मैथ्स में, बिकॉज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बड़े ईजिली सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू डू दैट, ओके। तो दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। सो फाइनली तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों के दोनों जो एक्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है, या नॉर्मली है या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। फ्रॉम देयर ईच परपेंडिकुलर विद ईच अदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे क्या मेक्स 90 डिग्री एंगल। ओके तो मेक बोल सकते हैं अपन 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। ओके सो दिस इज द थर्ड पॉइंट जो आपको क्या कर लेना, लिख लेना लाइन से। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो दोनों एक्सेस हैं ये जहाँ पे बनाई जाती हैं उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो अपन क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आपको यहाँ तक पे नोट डाउन कर लेना है, और इस वीडियो को बार बार भी आप देख सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा या तिबारा देखने की जरूरत होगी। बहुत ईजी बेसिस पर मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको सिखाया है, आपने बनाया है, आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है या अच्छी है, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।